इससे क्या होता है, जो हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं उसमें जो भी स्वेट वगैरह ये सब लगता है बहुत ही छोटा है, बहुत ही सस्ता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और वो है ये बॉल हमेशा एक बैट्समैन को कैरी करनी चाहिए, बैट टूटने का खतरा रहता है, बॉल इससे नॉक करना चाहिए लेदर बॉल से, क्योंकि जो आपका टच है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं क्रिक टेक। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने किटबैग को कंप्लीट कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स रख के। तो आज मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी किट को कंप्लीट करते हैं और आपकी प्रैक्टिस को बिल्कुल ईजी बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट किट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैड्स, बैट, ग्लव्स, शूज, स्पाइक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपकी क्रिकेट किट को कंप्लीट कर देते हैं और आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये ग्रिप और ग्रिपर। ये दोनों ही बहुत ही यूजफुल है। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जब कभी भी आप एक इंपॉर्टेंट मैच में हैं और अभी आपका ग्रिप खराब हो जाती है, फट जाती है, आप उस टाइम ध्यान नहीं रखते, तो उसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें कैरी करनी है। एक तो ग्रिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ग्रिपर जिससे आप इजीली अपने बैट में ग्रिप डाल सकते हैं। और सेकंड प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है ये, यह है स्पाइक्स की। जो भी क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ये खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फास्ट बॉलर के पास इतना ज़्यादा बड़ा किटबैग नहीं रहता, उनको इतनी ज़्यादा बैटिंग करनी नहीं होती है, लेकिन उनको बॉलिंग करनी होती है, और उसके लिए ये की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी आप मैच में बॉलिंग कर रहे हो और आपके स्पाइक्स के नट्स ढीले हो जाते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही काम आता है उस समय। तो दूसरे नंबर पे ये है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसको कैरी करके चलना चाहिए। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मेरे पास वो है ग्लव्स। ग्लव्स तो हम सभी अपने किट बैग में कैरी करते हैं, बट हमको दो पेयर ऑफ ग्लव्स कैरी करने चाहिए, पहला जो कि हम प्रैक्टिस में यूज़ करें और दूसरा जो हम सिर्फ मैच में यूज़ करें। इससे क्या होता है, जो हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं उसमें जो भी स्वेट वगैरह ये सब लगता है, उससे क्या होता है जो हमारे ग्लव्स का ये जो लेदर है ये बहुत ही कड़क हो जाता है, जिससे इजीली ग्रिप नहीं कर पाते हैं, तो मैच में हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए हमको दो ग्लव्स कैरी करना चाहिए, एक तो प्रैक्टिस के लिए और दूसरा मैच के लिए। और उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है ये, ये है एक कैप और एक है सनस्क्रीन। ये दोनों चीज़ें ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप धूप में खेलते हैं तो सनस्क्रीन आपके लिए हेल्पफुल है और कैप भी बहुत ही हेल्पफुल है, प्रोटेक्ट करती है। और जितनी ज़्यादा हम धूप में रहते हैं और जितनी ज़्यादा हम धूप को एब्जर्व करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी थकती है, तो जो हम कैप यूज़ करते हैं तो कैप से क्या होता है कि हमको रिलैक्स फील होता है और हमको कहीं ना कहीं छांव प्रोवाइड होती है, तो कैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कैरी करना चाहें तो। तो जो बैट्समैन है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आपको हमेशा अपने प्रैक्टिस में कैरी करना है। पहले तो ये टेनिस बॉल, क्योंकि ड्रिल्स करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टेनिस बॉल हमेशा एक बैट्समैन को कैरी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है वो है, मैंने इस तरह की कुछ बॉल्स हैं, ये सिंथेटिक बॉल हैं, इसमें एक वाइट आती है और एक रेड आती है। वाइट बॉल आपके बैट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, उससे बैट टूटने का खतरा रहता है, बैट में इतना ज़्यादा डैमेज भी नहीं करती और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो इस बॉल को कैरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक लेदर बॉल, जो भी बैट्समैन है उनको हमेशा एक लेदर बॉल कैरी करना चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाए तो आपको 20 से 30 बॉल इससे नॉक करना चाहिए लेदर बॉल से, क्योंकि जो आपका टच है वो मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही सस्ता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और वो है ये, यह है फाइबर टेप। ये क्या होता है, इसको हम बैट पे लगाते हैं, जो भी क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता होगा कि इसको बैट पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है बैट की प्रोटेक्शन होती है। और ये टेप क्या होता है कि इसको पूरा अच्छे से पैक करके रखता है, जिससे क्या होता है कि बैट में डैमेज के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो आपको ये जरूर कैरी करना चाहिए, ये किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान पे 30 से 40 रुपए में मिल जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर बैट्समैन है तो इसको जरूर ये कैरी करे। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया जो कि आपके क्रिकेट के लिए बहुत ही यूजफुल है और आपको हमेशा अपने किट बैग में ये चीज़ें कैरी करनी चाहिए, अगर आप बैट्समैन हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और जो सबसे लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एक मोटिवेशन, जो कि मेरा मोटिवेशन है ये, मेरी लाइफ का पहला बैट। इस बैट को मैं हमेशा अपने क्रिकेट किट में कैरी करता हूँ, जब भी मैं मैच खेलता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ मैं इस बैट को हमेशा ही पहले एक बार देखता हूँ, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ। और आपको भी कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट कैरी करना चाहिए, जैसे आपके फेवरेट प्लेयर की फ़ोटो हो गई या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको मोटिवेट करे क्रिकेट के लिए। तो मेरे लिए मेरा मोटिवेशन है मेरा पहला बैट, और इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है माय फर्स्ट बैट की, कि मेरी जर्नी कैसी थी फर्स्ट बैट की, तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिए, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में भी लिंक उसकी प्लेस कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक था, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस और शॉर्ट्स मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक था, जय हिंद।